लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। ललितपुर कसाई मंडी का मामला, जहां एक मूर्ति निर्माण को लेकर मोहल्ले वासियों ने आपत्ति जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई। मोहल्ले वासियों का कहना है कि यहां मूर्ति बन रही थी, वह मूर्ति का निर्माण बंद हो गया है, लेकिन जब निर्माण कार्य चल रहा था आम रास्ते पर कुछ गड्ढे हो गए थे और रास्ता खराब हो गया था, जिससे आम जनमानस को निकलने में परेशानी हो रही है। रास्ते को बनवाए जाने का जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। R9 भारत के लिए पूजा कश्यप की खास रिपोर्ट। क्या समस्या है, कहाँ से आए? कुमार नाम है हमारा। वहाँ टंकी पे जो है मैंने बिछी है, चाबी लगी है, पानी की लंडा ही दो टंकी बनी वहाँ पर, जी बन जाए सिस्टम है वहाँ, जी बन जाएगा तो ज्यादा समस्या होगी। क्या बन रहा है वहाँ पे? वहाँ पर दुर्गादास की मूर्ति बना रहे हैं और जी वहाँ से नरवा से रोड चौड़ा होना है और फुटपाथ छोड़ना है जो पहले मंजूर है। वो कौन है ये दुर्गादास? सेनानी है या कुछ? जी नहीं, सेनानी होंगे नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे बने नहीं, बस हमारे नाम, हमारा नाम विष्णु कुमार खटीक है। पानी की टंकी तलैयापुरा के हम निवासी हैं। जो मेडिकल और कॉलेज और स्कूल और कचहरी और ये मुख्य मार्ग है, पानी की टंकी के नीचे एक नगर पालिका द्वारा निर्माण हो रहा था, उसके क्या बन रहा है वहाँ पे? दुर्गादास राठौर की मूर्ति की स्थापना हो रही है, तो वहाँ समस्या ये है कि स्कूल के बच्चे आके रुकते हैं, 10-25 जो गांव लगे हैं वहाँ के बच्चे आते हैं रुकते हैं, जगह कम है, चौराहे पे ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए सरकार को विज्ञापन दिया था कैसे रोका जाए, तो काम तो रुक गया है, मगर वो गड्ढे खुद ही डले हैं तो वो अभी तक उनका भराव नहीं हुआ। हाँ, भराव नहीं हुआ। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि वो गड्ढा भर जाए। आम रास्ता है जी, आम रास्ता है नागरिकों का।